हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोग के लिए दिखाती हूँ क्रिसमस में बनाने वाला एक स्वीट की रेसिपी। ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये इसको केरल में वट्टे अप्पम बोलते हैं। ये राइस फ्लोर और राइस में भी बना सकते हैं। मैंने इधर राइस में कैसे बनाता करके दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलो। हाय फ्रेंड्स, हम वटेपम बनाती हूँ। वटेपम बनाने के लिए मैंने इधर 2 कप वाइट राइस लिया है। ये राइस को केरल में पुन्नी राइस बोलते हैं। कौन सा भी वाइट राइस आप लोग को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पानी में अच्छा से साफ़ करके लेके आती हूँ। देखिए, अभी ये मैंने अच्छा से पानी में साफ़ करके पानी भर के लेके आए हैं। ये राइस मैंने पानी में भिगा के 4-5 घंटे तक रखती हूँ। देखिए, अभी 5 घंटे हो गया है। राइस पीस के रखने के पहले मैं ईस्ट रेडी करके रखती हूँ। फर्मेंट होना चाहिए ना, इसके लिए पहले करके रखते हैं। उसके लिए मैंने 1 ग्लास में 1/2 टीस्पून ईस्ट लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा शुगर भी डालती हूँ और थोड़ा सा गुनगुना पानी भी डालती हूँ। सादा वाला पानी मत डाल दीजिए, बिल्कुल गुनगुना पानी डाल दीजिए। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये मैंने अच्छा से मिला के 7-8 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए रखती हूँ। राइस अच्छा से सॉफ्ट हो गया है। अभी ये मैंने एक मिक्सी का जार में डाल के देती हूँ और हमको चाहिए 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1.5 कप तक डाल सकते हैं। और हमको चाहिए 1 कप कुक्ड राइस, कौन सा भी राइस कुक करके ले सकते हैं। और ये राइस का बदले आप लोगों को वाइट पोहा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डालती हूँ 3 इलायची। ये टूट के डालने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। हम मिक्सी में डाल के पीसते ना, उसी टाइम पे ये टूट जाएगा। और मैंने इसमें डालती हूँ 1 कप चीनी। बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए तो 1.5 कप चीनी डाल सकते हैं। और ये रेसिपी में आप लोगों को चीनी का जगह गुड़ मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी देखना चाहिए, ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। इडली का जैसा बाट है ना, ऐसे कंसिस्टेंसी होना चाहिए। देखिए, अभी हमारा ईस्ट रेडी हो गया है, अच्छा से फर्मेंट हो गया है। ये मैंने अभी ये मिक्सी का जार में इसके साथ डालती हूँ। और मैंने इसमें 1 कप पानी भी डालती हूँ। 1 स्पून से अच्छा से मिला के रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना इसके लिए। अभी ये मैंने अच्छा से पीस के लेके आती हूँ। देखिए, मैंने अच्छा से पीस के लेके आया है। अभी ये मैंने एक बर्तन में डाल के देती हूँ। देखिए, ऐसे कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये फर्मेंट होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। ये हम फर्मेंटेशन के लिए बंद करके रखती हूँ। ये मैंने अभी 4-5 घंटे तक रखती हूँ। 4 घंटे के पहले एक बार देखना पड़ेगा ये फर्मेंट हो गया क्या करके, क्योंकि हम लोग ईस्ट डाला है ना इसके लिए, शायद ये 3-4 घंटे के अंदर फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट हो के नीचे गिरने का मत, इसके लिए मैंने देखने के लिए बोला है। देखिए, अभी 4 घंटे हो गया है, अच्छा से फर्मेंटेशन हो गया है। देखिए, अभी इसमें हम 2 पिंच नमक डाल के देती हूँ। एक बार मिला के देती हूँ। एकदम अच्छा से मिलाने के लिए ज़रूरत नहीं है, धीरे से मिला के दे दीजिए। देखिए ऐसे। अभी हम इडली का स्टीमर है ना, उसमें पानी डाल के गर्म करने के लिए रखती हूँ। ये वटे पर हम स्टीम करके बनाते हैं। ये गर्म होने दो। इसी टाइम पे हम ऐसा वाला एक स्टील का प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के देती हूँ। घी का जगह ऑयल लगा सकते हैं। ऐसे 2 प्लेट में मैंने घी लगा के लिया है। देखिए, अभी हमारा पानी अच्छा से उबल गया है। इसमें मैं स्टीमर प्लेट डाल के देती हूँ। और इसमें मैं हम घी वगैरह लगा के रखा है ना, वो प्लेट रखती हूँ। ये प्लेट में हम बटर डाल के देती हूँ। प्लेट पूरा मत भर दीजिए, इतना तक भर दीजिए, क्योंकि ये पकने के बाद वटेपन थोड़ा ऊपर फूल जाता है। अभी नेक्स्ट स्टीमर में दूसरा प्लेट भी रखी, उसमें भी ऐसे डाल के देती हूँ। इसमें हमको ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन अभी मत डाल दीजिए, एक बार स्टीम होने के बाद डाल दीजिए। अभी डाला है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह
बैटर के अंदर जाएगा। इसके लिए मैंने अभी कुछ भी नहीं डालती हूँ, एक चेरी डाल के गार्निश करती हूँ, वो मैंने सबसे लास्ट में लगाती हूँ। ये पकने के लिए ढक्कन से बंद करके रखती हूँ, 8 मिनट का अंदर ये अच्छा से पक जाएगा। देखिए अभी ये 8 मिनट हो गया है, मैंने गैस बंद करती हूँ। देखिए हमारा पटेपन रेडी हो गया है। अभी इसका बीच में मैंने एक चेरी लगाती हूँ। अभी ये मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और एक और मेथड भी आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप लोग के पास ऐसा वाला स्टील प्लेट नहीं तो हमारा इडली प्लेट्स में भी ये बना सकते हैं। सेम प्लेट में हम घी वगैरह लगाए ना, जैसे लगा दीजिए, और ये इडली प्लेट स्टीमर में रखे, उसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के ले दीजिए। देखिए हमारा बैटर ख़त्म हो गया है, इतना ही है। ये मैंने बंद करके पकने के लिए रखती हूँ। अभी 7-8 मिनट्स हो गया है, ये भी पक गया रहेगा, ये भी हम देखती हूँ। इसमें भी हम चेरी लगा के देती हूँ। देखिए दिखने में बहुत अच्छा है ना, एक क्रिसमस की याद आ रहा है ना। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप लोग भी घर पे ट्राई करके देखिए, बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक क्रिसमस के लिए हम घर पे बनाते हैं, आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा। आप लोग ऐसे बना के केक जैसे कट करके गेस्ट वगैरह आ गया तो उन लोगों को भी दे सकते हैं। और आप लोगों को इसमें 5-6 मिनट स्टीम करने के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। और अगर आप लोग गुड़ डाल के बना रहे तो बैटर की कंसिस्टेंसी देख ही कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग भी ये घर पे ट्राई करके देखिए, क्रिसमस का दिन बहुत अच्छा है, एक स्वीट बना के आप लोगों को फ्रेंड्स लोगों को भी दे दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।